में दोस्तों आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा के फॉर न्यूक्लियर मिसाइल के बारे में। ये जो है एक तरीके से बहुत करंट टॉपिक भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और इसमें मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपको इस के फॉर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल के बारे में। तो जो भी वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ डीमिलिटराइज्ड जोन में, जो आपकी एक तो नॉलेज एनहांस करते हैं, करंट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सभी वीडियो को अच्छे से जरूर देखिया करें ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता चल सके डिफेंस के सारी चीजों के बारे में, क्या रहता है मिसाइल्स, क्या रहता है फाइटर जेट, नेवी शिप्स, इन सभी चीजों के बारे में। और कोशिश करता हूं उसे मैं करंट के साथ रिलेट करूं ताकि आपको करंट में भी पता चल सके कि करंट में उस चीज के रिगार्डिंग क्या चल रहा है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी बच्चों के लिए, एसएसबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे, जितने बच्चों ने भी एफकैट भरा और जितने बच्चे भी इंटरेस्टेड है एक एग्जाम क्रैक और बिल्कुल सीरियस है और इस बार की एफकैट क्रैक ही क्रैक हो, तो प्यारे बच्चों अनअकैडमी प्लस में एक पूरा का पूरा एक क्रैश कोर्स जो है वो चल रहा है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक क्रैश कोर्स चल रहा है अनअकैडमी प्लस में, उस क्रैश कोर्स को सभी बच्चे ज्वाइन कर लें। वन मंथ के लिए आ जाना, चाहे वन मंथ की सब्सक्रिप्शन ले लेना, ये वाला कोड यूज कर लेना, स्टडी रेगुलर लाइफ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो चीजें पढ़ाई जाए, जितना आपको पढ़ाया जाए, जो आपको बोला जाए उसे अच्छे से पढ़िए। सारा का सारा कंटेंट जो है इंपॉर्टेंट होगा, जो आपको पढ़ाया जाएगा और जो आपके एग्जाम क्रैक करने में बहुत मदद करेगा। मैं आपको कह रहा हूं वन मंथ के लिए आइए, वहां पे एक क्रैश कोर्स चल रहा होगा अल्टीमेट प्रिपरेशन क्रैश एफकैट। उसकी क्लासेस 4 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी 2 फरवरी को सीडीएस का है, तो 4 फरवरी से एफकैट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसमें ऑलरेडी क्लासेस चल भी रही है, मेरी क्लासेस 4 फरवरी से वहां पे स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो हर एक बच्चा उस क्लासेस को जरूर अटेंड करे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, के फोर मिसाइल जो है अभी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड की गई है। अगर मैं इसे थोड़ा करंट से प्लेट करूं उसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा, बट हम इस मिसाइल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं ये एक्चुअली में मिसाइल है क्या। प्यारे बच्चों ये जो के फोर मिसाइल है ये एक इंटरमीडिएट रेंज सबमराइन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल है। के फोर मिसाइल जो है ये एक इंटरमीडिएट रेंज सबमराइन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल है, ये बात दिमाग में रखिएगा। मींस ये एक ऐसी ब्लास्टिक मिसाइल है जो कैपेबल है सबमराइन से लॉन्च होने के लिए। सबमराइन क्या होती है, जो पनडुब्बी होती है उससे कैपेबल है, ये वो ब्लास्टिक मिसाइल है जो कैपेबल है सबमराइन से लॉन्च होने के लिए। और प्यारे बच्चों इस मिसाइल को डिजाइन किया गया था किसके द्वारा, इस मिसाइल को जो डिजाइन किया गया था वो किया गया था डीआरडीओ के द्वारा, और प्यारे बच्चों जो इसे मैन्युफैक्चर किया गया था वो किया गया था BDL के द्वारा, भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। और प्यारे बच्चों इस मिसाइल को लॉन्च किया गया था अरिहंत क्लास सबमराइन से, कहां से, अरिहंत क्लास जो सबमराइन है वहां से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया था, अंडर वाटर से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया था। अब यहां पे मैं एक एक चीज करके एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये अरिहंत क्लास सबमराइन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों अरिहंत क्लास सबमराइन, ये आपके सामने मैंने एक सबमराइन की पिक ली है, तो इसको अब अरिहंत क्लास सबमराइन को मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कि अरिहंत क्लास जो सबमराइन है वो है क्या, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसके बारे में अब मैं बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहले बच्चों ये जो सबमराइन है, अगर इसका मैं फर्स्ट पॉइंट बोलूं, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, ये सबमराइन ऐसी क्लास की एक सबमराइन है जो न्यूक्लियर पावर्ड ब्लास्टिक मिसाइल सबमराइन है। एक तो ये बात दिमाग में रखिएगा हर एक बच्चा, ठीक है, न्यूक्लियर पावर ब्लास्टिक मिसाइल सबमराइन है कि ये ऐसी एक पनडुब्बी है जिसके अंदर एक तरीके से हम कह सकते हैं क्षमता है न्यूक्लियर पावर प्लास्टिक मिसाइल लॉन्च करने की, इन सभी की एक तरीके से इसमें क्षमता है अगर हम बात करें, ठीक है। दूसरा ये जो सबमराइन है ये बिल्ड की गई किसके लिए, फॉर इंडियन नेवी के लिए, इंडियन नेवी के लिए ये सबमराइन बिल्ड की गई थी, ये बात दिमाग में रखिएगा। प्यारे बच्चों ये जो सबमराइन है इसे डेवलप किया गया था अंडर द 90,000 करोड़ का एक एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के अंडर इन
सब एक तरीके से क्या किया गया था, प्रोजेक्ट किया गया था, और ये सबमराइन कमीशन हुई थी 2016 में। जो अरिहंत क्लास सबमराइन है ये 2016 में कमीशन हुई थी, और प्यारे बच्चों इस सबमराइन को बिल्ड किया गया था जो नेवी शिप बिल्डर लिमिटेड, नेवी शिप बिल्डर ठीक है लिमिटेड विशाखापट्टनम में। ये बात दिमाग में रखेगा हर एक बच्चा, वहां पे इस शिप को एक तरीके से बिल्ड किया गया था, पता होना चाहिए। दूसरे इंपॉर्टेंट चीज, इस सबमराइन की जो लेंथ है वो है 111 मीटर। इस सबमराइन की प्यारे बच्चों क्या है लेंथ है, और 11 मीटर इस सबमराइन का बीम है। क्या है? बीम है। अगर हम बात करें स्पीड जो होती है सबमराइन की वो नॉट में होती है, ये बात दिमाग में रखिएगा। दूसरा प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पहली अगर हम बोलें ये पहली इंडिजीनियसली, मतलब इंडिजीनियसली जो हमारे देश में बनी हो जैसे इंडिया में बनी हो ठीक है, ये पहली इंडिजीनियसली सबमराइन है, न्यूक्लियर सबमराइन अगर हम बोलें, ये पहली इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर न्यूक्लियर सबमराइन है आपकी अरिहंत क्लास सबमराइन, फर्स्ट न्यूक्लियर सबमराइन ठीक है जो इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर हुई है, जो इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर हुई है। ये बात दिमाग में रखिएगा हर एक बच्चा। तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आई थिंक क्लैरिफाई हो गए होंगे, सबमराइन क्या क्या था, अरिहंत के रिगार्डिंग क्या था। और दूसरी बात प्यारे बच्चों, ये जो है आपकी अरिहंत एक तरीके से क्लास है, इसी के साथ एक जो आईएनएस है आईएनएस अरिघाट ठीक है, आईएनएस अरिघाट ये एक तरीके से अभी डेवलपमेंट में अगर हम बोले ठीक है, आईएनएस अरिघाट ये एक सेकेंड अरिहंत क्लास है जो अभी चल रहा है, जिसका एक तरीके से प्लान आउट चल रहा है अगर हम बात करें ठीक है। तो INS अरिघाट ये एक सेकंड अरिहंत क्लास होगी अगर हम बात करें ठीक है। तो ये आपको क्लैरिफाई हो गया। अब हम बात करते हैं K4 मिसाइल के बारे में। देखिए बच्चों, K4 मिसाइल को लॉन्च किया गया था अरिहंत क्लास सबमराइन से, जहां से अब K4 मिसाइल के बारे में बात करते हैं, इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस को देखते हैं अच्छे से। देखिए बच्चों, K4 मिसाइल को अरिहंत क्लास सबमराइन से लॉन्च किया गया, टेस्ट फायर किया गया सक्सेसफुली, ये करंट न्यूज थी जो अभी रिसेंटली 20 जनवरी को आई थी आपकी 220 को ठीक है। और ये एक अंडर वाटर मिसाइल एक तरीके से लॉन्च था, अंडर वाटर लॉन्च था अगर हम बात करें। कहां से इसे लॉन्च किया गया था? इसे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था, विशाखापट्टनम कोस्ट आंध्र प्रदेश से प्यारे बच्चों इस मिसाइल को लॉन्च किया गया था। अभी टेस्ट फायर सक्सेसफुली किया गया था अंडर वाटर इस सबमराइन से, अरिहंत क्लास सबमराइन से ठीक है। और प्यारे बच्चों इस मिसाइल की जो रेंज है वो रेंज है 3500 किलोमीटर ठीक है, जो टेस्ट फायर की गई इस अभी। और इस मिसाइल को डिजाइन किया गया था DRDO के द्वारा, मैन्युफैक्चर किया गया था BDL भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा, और इसे यूज किया जाएगा इंडियन नेवी के द्वारा। और अगर हम इसकी बात करें वेट की, इसका जो मास था वो था 17 टन ठीक है। लेंथ थी प्यारे बच्चों इसकी कितनी, 12 मीटर। और इसमें इसका डायामीटर जो था प्यारे बच्चों, इस मिसाइल के डायामीटर की बात करूं वो था 1.3 मीटर। और प्यारे बच्चों इसमें जो प्रोपेलेंट यूज हुआ है वो हुआ है प्यारे बच्चों सॉलिड फ्यूल, जो इसमें फ्यूल यूज हुआ है वो है आपका सॉलिड फ्यूल। ये बात दिमाग में रखेगा, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसकी अगर मैं बेसिक बात करूं इस मिसाइल के बारे में, प्यारे बच्चों ये जो आपकी मिसाइल है इस के सीरीज, ये जो आपकी मिसाइल है के आपका 4 हो गया, के 15 हो गया, के 5 हो गया, ये जो मिसाइल है के सीरीज की मिसाइल है, इन सीरीज का जो नाम है, इस के सीरीज का नाम पड़ा था हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके थे ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके नाम से इस मिसाइल का के सीरीज का नाम पड़ा था, आपको यह पता होना चाहिए। दूसरा, इस मिसाइल्स की जो डेवलपमेंट है वो शुरू हुई थी जनवरी 2010 में ठीक है, जनवरी 2010 में इस मिसाइल की डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी। उसके बाद 31 मार्च 2016 को इस मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया था INS अरिहंत से, और अभी रिसेंटली इसे अरिहंत क्लास सबमराइन से अंडर वाटर पटून से अंडरवाटर से इसे सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड किया गया है। यह बात दिमाग में रखिएगा, पता होना चाहिए आप सभी बच्चों को, इंपॉर्टेंट ठीक है।
तो प्यारे बच्चों ये था इसका बेसिक डिटेल जो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, K4 मिसाइल है क्या, उसकी स्ट्राइक रेंज क्या है, अभी जो डेवलप हुआ है वो क्या एक तरीके से सक्सेसफुली टेस्ट फायर हुआ है, कहां से हुआ है, हर एक चीज के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से और भी वीडियो लाता रहूंगा जो करंट अफेयर के साथ रिलेट करेंगे और आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि मिसाइल क्या है, कहां से लॉन्च हुई है, और स्टैटिक पोर्शन को भी हम जरूर कवर करेंगे। ये बात दिमाग में रखेगा हर एक बच्चा। तो प्यारे बच्चों जो भी इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन से पता चल गई होगी। और प्यारे बच्चों जितने बच्चे भी इंटरेस्टेड है, का पेपर भर रहा है, सीडीएस का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो आइए ये वाला कोड यूज कर लेना, स्टडी रेगुलर चाहे वन मंथ के लिए आ जाइए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।